हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल अपना इंश्योरेंस वाला। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करूंगी उस पर बात करना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, ये बताइए कि क्या आपके पास रेगुलर और लाइफ टाइम इनकम है। फ्रेंड्स, आप कहेंगे मेरे पास जॉब है, कोई कहेगा मेरे पास मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब है, कोई कहेगा मेरा तो लाखों का बिजनेस है जिससे हर महीने इनफ पैसा आता ही है, कोई कहेगा मेरे पास तो इतनी प्रॉपर्टी है कि उसके रेंट से ही मेरा काम चल जाता है, कोई कहेगा मेरे पास तो स्टॉक्स में पैसा है जिससे अच्छी इनकम आती है, कोई कहेगा मेरे बैंक में इतना पैसा है कि उससे अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाता है। पर फ्रेंड्स, सच में सोचिए, क्या ये सारे सोर्स रेगुलर और लाइफ टाइम इनकम के हैं? नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं। इनमें से कोई भी सोर्स रेगुलर और लाइफ टाइम इनकम का नहीं है। इस पेंडेमिक को ही ले लीजिए, कितना बुरा असर पड़ा है। बिजनेस डाउन गया, जहां लाखों का बिजनेस था वहां हजारों में सिमट के रह गया। कई प्राइवेट कंपनी तो अपने एम्प्लॉयज़ को कम कर दिया, जहां ऑफिस में 10 लोग थे वहां अब 4 से 5 लोग ही जॉब कर रहे हैं और बाकी को तो ऑफिस से निकाल ही दिया है। और प्रॉपर्टी के रेट तो 4-5 साल से फ्रीज हो गए हैं, लोगों के पास पैसे ही नहीं बचे हैं, तो इन्वेस्टमेंट में कमी तो आनी ही है। मार्केट का तो बुरा हाल था, कुछ शेयर्स को छोड़ के तो सारे शेयर्स में गिरावट ही आ रही है। फ्रेंड्स, यहाँ तक कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी DA 2 साल से फ्रीज था, वहाँ पर भी कब किस कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया जाए पता नहीं चलता था, और सैलरी में कब कमी आ जाए इसका कोई आइडिया नहीं है। जो रेंट को रेगुलर इनकम मान रहे थे उनकी दुकान मकान सब खाली पड़े हैं। दूसरे पैंडेमिक में मैं खुद एक शहर है उत्तराखंड का देहरादून, वहाँ पे थी। जब लॉकडाउन हटा और हम मार्केट में निकले तो आप यकीन नहीं मानेंगे, हर शॉप में और हर घर के बाहर रेंट और लीज के बोर्ड भरे हुए थे। ऐसे में सोचिए, जिस घर से इनकम आती हो, जिस घर से उस रेंट पे घर चलता हो, तो आप ये सोचिए उस परिवार का क्या हाल होगा। इन 2 सालों ने हमें एक बात तो समझा दी है कि हमारी इनकम चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, पर इनकम का एक सोर्स नहीं होना चाहिए। कुछ इनकम जरूर रेगुलर और लाइफ टाइम होनी ही चाहिए। चाहे लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए, हमारे पास इतना पैसा तो होना चाहिए कि हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें। अब मैं आपको 2 अलग-अलग सिचुएशन के लोगों के लिए अलग अलग सॉल्यूशन बताऊंगी कि कैसे लाइफ में रेगुलर इनकम का सोर्स बनाया जाए। फ्रेंड्स, अगर आप 20 से 50 साल के बीच में हैं तो आप रेगुलर इनकम के लिए LIC का जीवन उमंग प्लान ले सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ 15 साल ही पैसा जमा करना है, 15 साल के बाद लाइफ टाइम आपको पैसे मिलेंगे और आपके परिवार को एक बहुत बड़ा फंड भी मिलेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर 10,000 या 20,000 रुपये आप हर महीने सेव करते हैं तो 15 साल के बाद आपको 10,000 या 20,000 हर मंथ मिलेंगे और पूरी लाइफ मिलेंगे, साथ ही आपके परिवार को 1 से 2 करोड़ रुपए भी मिलेंगे। चलिए फ्रेंड, दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं जिसमें आपकी एज 50 साल से ऊपर है, तो यानी आप रिटायरमेंट के पास हैं या आप रिटायर हो चुके हैं। इस केस में आपको ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस एज में इंसान दूसरों पर डिपेंड होने लगता है। ऐसे में कहीं से अपनी रेंटल प्रॉपर्टी से रेंट कलेक्ट करना भी बहुत टफ हो जाता है। इवन फ्रेंड्स, हमारे खुद के पैसे, ज्वेलरी या जो भी हमारी प्रॉपर्टी होती है उस पर ही हमारा हक कम ही होता जाता है। कई बार तो सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है कि उनके खुद के बच्चे सारी प्रॉपर्टी हड़प करके उन्हें सड़क पर या वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। बोलने में ऑड लगता है, पर फ्रेंड्स आजकल हर घर में यही हाल है। कहीं ना कहीं बुज़ुर्ग लोगों पर प्रॉपर्टी और पैसों के लिए दबाव बनाया जा रहा है। के साथ बिल्कुल ना हो, इसके लिए आप कुछ पैसे LIC के जीवन अक्षी या जीवन शांति प्लान में जरूर लें, जिससे कि आपको अपने खाने पीने, अपनी दवाइयों पे, यानी आपको किसी और पे डिपेंड ना होना पड़े। ये प्लान आपकी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करेगा। ये एक सिंगल प्रीमियम प्लान है, इसका मतलब आपको सिर्फ एक बार पैसा जमा करना पड़ता है।
चलिए एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपकी एज 60 साल है और आप 15 लाख रुपए एक साथ जमा करते हैं, तो यानी हर महीने जमा करने के अगले महीने से आपको 10,000 रुपये हर महीने मिलेंगे, जो आपको लाइफ टाइम मिलते रहेंगे। इस प्लान की अधिक जानकारी के लिए आप अपने LIC अभिकर्ता से बात कर सकते हैं या फिर नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।